पिछले एपिसोड में आपने देखा कि फाइनली पोकेमोन मास्टर चैंपियनशिप स्टार्ट हो जाती है, जिसमें टोटल 68 ट्रेनर्स ने पार्टिसिपेट किया था, जो कि अब तक के सबसे हाईएस्ट नंबर थे। और ये भी रिवील किया गया था कि अभी तक कोई भी पोकेमोन मास्टर को डिफीट नहीं कर पाया है। ऐश भी उन 68 ट्रेनर्स में से एक था। उसकी सबसे पहली बैटल होने वाली होती है ओल्ड मैन के साथ, जिसके लिए दोनों स्टेडियम के एंट्रेंस से आते हैं और अपने अपने 6 पोकेमोन सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आगे ऐश और ओल्ड मैन दोनों ही मैदान में आ जाते हैं। दोनों एक दूसरे को बैटल के लिए गुड लक बोलते हैं। ओल्ड मैन बोलता है कि अभी तक मैं तुम्हारा फ्रेंड था, पर बैटल में मैं तुम्हारा फ्रेंड नहीं रहने वाला हूँ। मैं तुम पर बिल्कुल भी इजी नहीं जाऊंगा। ऐश बोलता है सेम, मैं भी इजी नहीं जाने वाला। अब देखते हैं कि ये बैटल कौन जीतता है। रेफरी बोलता है कि एक 6-on-6 बैटल होने वाली है, जिसमें 3 फेनोमेना अलाउड है। चलो बैटल स्टार्ट करते हैं। ओल्ड मैन अपने सबसे पहले पोकेमोन के तरह क्वैक वेवल को भेजता है, जो कि पालडिया का एक स्टार्टर पोकेमोन है। इसके काउंटर में ऐश भेजता है अपने गारचॉम को, जिसको देखकर सब काफी शॉक रह जाते हैं। किसी को भी नहीं लगा था कि ऐश गारचॉम को चूज करेगा। ब्रॉक बोलता है कि ऐश तुम अपने मेन टीम का यूज नहीं करने वाले क्या? ऐश बोलता है कि मेरे पास और भी काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स हैं और मैं अपने टीम को चार्ज अप रखना चाहता हूँ मेन बैटल के लिए। ब्रॉक बोलता है कहीं ये मूव तुम्हारे ऊपर भारी ना पड़ जाए, क्योंकि ये पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप है, कोई नॉर्मल लीग नहीं है। ऐश बोलता है ब्रॉक शायद तुम सिनो रीजन भूल रहे हो, जहाँ पर मैंने अपने ओल्ड पोकेमॉन का यूज करके काफी अच्छा परफॉर्म किया था। ऐश बोलता है ठीक है, देखते हैं। बैटल स्टार्ट होती है। क्वैक वेवल अपना सबसे पहले अटैक की तरह यूज करता है लो स्वीप अटैक। ये अटैक का नाम ऐश ने सबसे पहली बार सुना था। क्वैक वेवल गारचॉम के पैर पर अटैक करती है, जिससे गारचॉम का बैलेंस बिगड़ जाता है और उसकी स्पीड कम हो जाती है। इसके काउंटर में ऐश अपने गारचॉम को ड्रैको म्यूटी और अटैक यूज करने बोल देता है, जो कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन टाइप अटैक है। इसको क्वैक वेवल डॉच करने की कोशिश करती है, पर बीच में गारचॉम ड्रैगन रश भी यूज कर देता है, जो कि क्वैक वेवल पर लग जाता है और वो जमीन पर गिर जाती है। तभी उसके ऊपर ड्रैको म्यूटी और भी लग जाते हैं। शुरू में ही गारचॉम ने ऐश को काफी ज्यादा आगे कर दिया था बैटल में। ऐश अपने गारचॉम को अर्थक्वेक अटैक यूज करने बोलता है। इसको क्वैक वेवल डॉज नहीं कर पाती और उसको काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। मिस्टी, ब्रॉक और सरीना काफी खुश होते हैं। ओल्ड मैन बोलता है कि क्वैक वेवल हम ऐसे हार नहीं मान सकते। ओल्ड मैन अपने क्वैक वेवल को उसका सिग्नेचर मूव यानी कि वेव क्रैश यूज करने बोलता है, जो कि गारचॉम पर लग जाता है और इसका गारचॉम पे काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। ऐश अपने गारचॉम को आउटरेज अटैक यूज करने बोलता है। ये एक फिजिकल अटैक था, जिसके लिए गारचॉम क्वैक वेवल के पास चले जाता है, पर क्वैक वेवल इस अटैक को डॉज कर लेती है और यूज करती है एक्वा जेट अटैक का। पर जैसे ही वो गारचॉम के पास आती है, गारचॉम आउटरेज का यूज कर देता है, जिससे दोनों ही पोकेमॉन्स को डैमेज पड़ता है। क्वैक वेवल काफी थक चुकी थी, पर तभी गारचॉम वहां पर एक और बार आकर आउटरेज यूज कर देता है, जिससे क्वैक वेवल हार जाता है। ओल्ड मैन ये देखकर काफी शॉक रह जाता है कि उसने ऐश के बिना ऑर्डर्स के 3 बार आउटरेज कैसे यूज किया। ऐश बताता है कि आउटरेज एक ऐसा अटैक है, जिसको एक बार यूज करने के बाद पोकेमॉन्स को 2 या फिर 3 बार यूज करता है, जब तक वो कंफ्यूज ना हो जाए। ओल्ड मैन नोटिस करता है कि ऐश का गारचॉम कंफ्यूज हो चुका है। ओल्ड मैन काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो गया था। वो अपने सेकंड पोकेमॉन की तरह भेजता है बैक्सेलिवर को, एक आइस और ड्रैगन टाइप का सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन। ऐश अपने गारचॉम को ड्रैगन रश के साथ स्टार्ट करने बोलता है, बट अब क्योंकि गारचॉम कंफ्यूज था, वो ड्रैगन रश खुद के ऊपर ही यूज कर देता है, जिससे उसको ही डैमेज पड़ जाता है। वहीं पर ओल्ड मैन अपने बैक्सेलिवर को आइसिकल क्रैश यूज करने बोलता है, जो कि एक आइस टाइप अटैक था। ये गारचॉम पर सुपर इफेक्टिव होता है, जिसके चलते गारचॉम भी हार जाता है। ऐश अपने गारचॉम को वापस बुलाता है और बोलता है गारचॉम तुमने काफी अच्छी बैटल की, अब बाकी का काम मेरे बचे हुए पोकेमॉन्स पर छोड़ दो। अब ऐश अपने सेकंड पोकेमॉन की तरह भेजता है इन्फर्नेप को, एक फायर और फाइटिंग टाइप पोकेमॉन। मिस्टी और सरीना ये देखकर शॉक रह जाते हैं कि ऐश के पास एक इन्फर्नेप है। ब्रॉक बोलता है कि सिनो रीजन में ऐश का इन्फर्नेप उसका एस पोकेमॉन था। ये कहना गलत नहीं होगा कि ऐश का इन्फर्नेप उसका वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है। ऐश ने इसको बैटल में लाकर काफी अच्छा काम किया है। बैटल कंटिन्यू होती है। ऐश अपने इन्फर्नेप को सबसे पहले फ्लेम व्हील अटैक यूज करने बोलता है। ओल्ड मैन अपने बैक्सेलिवर को एक जगह पर खड़े रहने बोलता है, जिसको सुनकर ऐश काफी ज्यादा शॉक रह जाता है और इन्फर्नेप का फ्लेम व्हील बैक्सेलिवर पर जाता है, जो कि एक सुपर इफेक्टिव अटैक था। इससे बैक्सेलिवर को काफी डैमेज पड़ता है। ब्रॉक बोलता है ये तो एक काफी बेकार स्ट्रेटजी थी। तभी ओल्ड मैन एक स्माइल देता है और अपने बैक्सेलिवर को ग्लेव रश यूज करने बोलता है, जिसके बाद बैक्सेलिवर की पूरी बॉडी चार्ज हो जाती है और वो इन्फर्नेप के ऊपर एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक यूज करता है। इस अटैक को इन्फर्नेप डॉच करने की कोशिश करता है, पर ओल्ड मैन बोलता है कि कितनी भी कोशिश कर लो, ये अटैक 100% तुम पर लग जाएगा। और ऐसा ही होता है, ग्लेव रश इन्फर्नेप पर लग जाता है और ये इतना स्ट्रॉन्ग अटैक था कि एक ही अटैक से इन्फर्नेप काफी ज्यादा वीक हो जाता है, वो ऑलमोस्ट हार गया था। ऐश बोलते हैं कि ये कैसा अटैक है। ओल्ड मैन बोलता है कि ये बैक्सेलिवर का सिग्नेचर अटैक है और ये काफी है सामने वाले पोकेमॉन को हराने के लिए। ऐश का इन्फर्नेप जमीन पर गिर गया था। ऐश को नहीं लगा था कि इन्फर्नेप एक ही अटैक में हार जाएगा। रेफरी फ्लैग उठाने वाला होता है, तभी इन्फर्नेप खड़े हो जाता है और एक काफी बड़ा धमाका होता है, जिसको देखकर ओल्ड मैन शॉक रह जाता है। ये बैटल काफी इंटेंस हो चुकी थी। इतने ट्विस्ट एंड टर्न देखकर ऑडियंस भी काफी ज्यादा एंजॉय कर रही होती है। ऐश का इन्फर्नेप वापस खड़े हो जाता है, बट इस बार इन्फर्नेप का लुक चेंज हो गया था। उसकी आंखें रेड कलर की हो गई थी, उसके सर की आग बढ़ गई थी और वो ऑरेंज कलर में ग्लो कर रहा था। ऐश बोलता है ये इन्फर्नेप की ब्लेज एबिलिटी।
हैं। अब शायद ही तुम्हारा बैक्सेलिबर बच पाएगा। ऐश अपने इन्फरनेप को फ्लायर ब्लिट्स अटैक यूज करने बोलता है। वहीं पर बैक्सेलिबर यूज करता है ड्रैगन क्लो अटैक का, बट फ्लायर ब्लिट्स पूरी तरह से इस अटैक को डोमिनेट कर देता है और एक काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है। सबको देखने को मिलता है कि बैक्सेलिबर वॉल पर जाकर टकरा गया है। इन्फरनेप की असली पावर देखकर सारी ऑडियंस सरीना और मिस्टिक काफी ज्यादा शॉक रह जाते हैं। बैक्सेलिबर काफी वीक हो गया था, वो उठ नहीं पा रहा था। ऐश ने भी इन्फरनेप को आज तक इतना स्ट्रॉन्ग अटैक यूज करते हुए नहीं देखा है। ओल्ड मैन बोलता है कि मैंने काफी बड़ी गलती कर दी है ग्लेव रश यूज करके, क्योंकि इस अटैक को यूज करने के बाद अपोनेंट के अटैक का डैमेज डबल हो जाता है और अब तुम्हारा इन्फरनेप ब्लेज एबिलिटी में भी जा चुका है। बट कोई बात नहीं, हम इन्फरनेप को जरूर हराएंगे। ऐश अपने इन्फरनेप को मार्क पंच अटैक यूज करने बोलता है। यह अटैक नॉर्मल से काफी ज्यादा पावरफुल था, बट लकीली बैक्सेलिबर इस अटैक को डॉज कर लेता है और यूज करता है ड्रैगन टेल का, जो की इन्फरनेप पर लग जाता है। अब ऐश अपने इन्फरनेप को डिग अटैक यूज करने बोलता है, जिससे वो जमीन के अंदर चले जाता है। अब बैक्सेलिबर को नहीं पता था कि इन्फरनेप किधर से आएगा और कब वो उसके ऊपर अटैक कर देगा। ओल्ड मैन बोलता है कि इसी का तो मैं वेट कर रहा था। वो अपने बैक्सेलिबर को उस होल के अंदर आईसी विंड अटैक यूज करने बोल देता है, जिसमें इन्फरनेप गया था। बैक्सेलिबर बिल्कुल ऐसा ही करता है और इन्फरनेप जमीन के अंदर जम जाता है। अब ओल्ड मैन अपने बैक्सेलिबर को अर्थक्वेक अटैक यूज करने बोलता है। अब क्योंकि इन्फरनेप जमीन के अंदर था, उसको इस अटैक से काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है, बट वो बाहर नहीं निकलता है। सबको लगता है कि इन्फरनेप हार चुका है। इन्फरनेप बाहर नहीं निकल रहा था और रूल्स के अकॉर्डिंग रेफरी बोलता है कि अगर इन्फरनेप 5 मिनट के अंदर बाहर नहीं निकला तो ये बैटल बैक्सेलिबर को जिता दी जाएगी। 5 मिनट हो जाता है और इन्फरनेप बाहर नहीं निकलता है और बैक्सेलिबर को विनर घोषित कर दिया जाता है। इसके बाद इन्फरनेप को बाहर निकाला जाता है और देखने को मिलता है कि इन्फरनेप सच में हार गया था। डिग अटैक यूज करके ऐश ने काफी बड़ी गलती कर दी थी। ओल्ड मैन बोलता है कि मैंने इसके लिए काफी ट्रेनिंग करी थी और इस बैटल में तुम पूरी तरह से डोमिनेट कर रहे थे। ये तुमसे काफी ज्यादा बड़ी गलती हुई है और शायद इसकी वजह से तुम अपना पूरा मैच हार सकते हो। ऐश अपने इन्फरनेप को वापस पोकीबॉल में बुलाता है और बोलता है तुमने अपना बेस्ट दिया बट मैं तुम्हें सही से यूज नहीं कर पाया। ऐश अपना नेक्स्ट पोकीबॉल निकालता है और भेजता है शाइनी हेक्सरस को, जिसको देखकर सारी ऑडियंस और ओल्ड मैन सब शॉक रह जाते हैं। ये देखने में काफी ब्यूटीफुल लग रहा था। ओल्ड मैन बोलता है कि तुमने ये हेक्सरस को कहां पर कैच किया, ये देखने में काफी अच्छा लग रहा है। ऐश बोलता है कि टास्क सेंटर में मुझे टास्क मिला था 10 शाइनी पोकेमॉन्स कैच करने का, जिसके लिए मैंने एक शाइनी पोकेमॉन कैचिंग टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया था और वहां पर मुझे विनर बनने पे एक हेक्सरस मिलता है। और हाँ, ये सिर्फ देखने में ही अच्छा नहीं है, ये काफी पावरफुल भी है। ब्रॉक बोलता है कि ऐश ने अपने शाइनी हेक्सरस को काफी ट्रेनिंग दी है कुछ दिनों में। मुझे डेफिनेटली लग रहा था कि वो शाइनी हेक्सरस को जरूर यूज करेगा और उसने कर भी लिया। ओल्ड मैन बोलता है कि चलो फिर देखते हैं कि कौन जीतने वाला है। बैटल स्टार्ट होती है।